सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप लोग देख रहे हो मोटर्स बुल का एक और नया वीडियो, और वीडियो की फ्रेम में आप लोगों को जो गाड़ी दिख रही है सब पहचान गए हैं भाई, सब पहचान गए हैं। अर्बन एसयूवी ऑल न्यू मारुति सुजुकी नेक्सा की तरफ से इंट्रोड्यूसिंग गाड़ी जो है भाई अपनी नेक्सा इग्निस। बेसिकली ये वो कार है जो मारुति नेक्सा की एंट्री सेगमेंट वाली गाड़ी है भाई। और मारुति की एंट्री सेगमेंट वाली गाड़ी के साथ साथ क्या यूएसपी है इस कार की, तो ये ना भाई आज के टाइम में सबसे सस्ती प्रीमियम कार है, फोर सिलेंडर 1.2 लीटर के फोर सिलेंडर वाली। यानी कि अगर आपको 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन की सबसे सस्ती गाड़ी खरीदनी है ना, तो नेक्सा का शोरूम विजिट कीजिए। और भाई मैं कहना चाहूंगा ऑल थैंक्स फॉर रोहन मोटर देहरादून जिन्होंने मुझे इस गाड़ी का सूट करने का मौका दिया है। दुख इस बात का है कि बेस वेरियंट नहीं था भाई, लिटरली अगर आप इसका बेस वेरियंट परचेज करना चाहते हो ना, तो उसकी कहानी की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को बहुत मोटा डिस्काउंट मिल रहा है। बेसिकली बेस वेरियंट पे डिस्काउंट नहीं है, आप लोगों को इसके बेस वेरिएंट से यानी कि सिग्मा से लेके अल्फा तक डिस्काउंट ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सारे वेरिएंट में आप लोगों को एक जैसा डिस्काउंट देखने को मिलता है। कर रहा हूं सिग्मा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं भाई क्योंकि ना आप लोगों को जो ऑफर मिल रहा है ना इस टाइम पे वो कमाल का है भाई। जो सीजन है ना इस टाइम पे वो चल रहा है गाड़ियों में डिस्काउंट का सीजन, और इस टाइम पे आप लोगों को बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। इग्निस के सूट कर रहा हूं तो इग्निस का पहले बेस वेरिएंट की बात करता हूं। ये तो आप लोगों के सामने जेटा वेरिएंट है भाई जो कि सेकंड टॉप मॉडल है, लेकिन सबसे बेस की अगर मैं बात करता हूं ना, जो कि मिडिल क्लास इंडियन के भाई पॉकेट की बात समझता है, वो समझता है कि उसे कार चाहिए और सबसे कम पैसे में गाड़ी चाहिए। तो बेसिकली अब मैं प्राइस पे आता हूं, सिग्मा वेरिएंट की बात करता हूं, कमाल की चीज तो उसी में है। आप लोगों को 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन मिल जाता है, फोर सिलेंडर जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। और उस इंजन ऑप्शन में भी आप लोगों को भाई कमाल की चीज क्या मिलती है, प्राइस मिलती है भाई इग्निस के सिग्मा वेरिएंट में। और वो क्या है, एक्सोरूम प्राइस की अगर आप बात करते हो 5,84,000 रुपए एक्सोरूम प्राइस है सिग्मा वेरिएंट का इग्निस का। अब बेसिकली इस पे ऑफर क्या चल रहा है, तो बेस टू टॉप ऑफर बता रहा हूं मैं। सबसे पहले कंज्यूमर ऑफर आता है जो कि आप लोगों को भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में 35,000 का, और अगर आप ऑटोमेटिक में इस कार को खरीदते हो तो आप लोगों को मिल जाता है 40,000 का। बेस वेरिएंट ऑटोमेटिक में नहीं आता है, तो बेस वेरिएंट में आप लोगों को 35,000 रुपए का कंज्यूमर डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कोई और पुरानी गाड़ी लेकर के आते हो एक्सचेंज के लिए तो 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस आपको देखने को मिल जाता है। हो गया ना भाई मोटा मोटा 50,000 रुपए। अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा स्किलफुल यानी कि आपको अगर बार्गेनिंग करनी आती है, आपको अगर कोई सामान परचेज करना आता है, अगर आप लोगों के अंदर स्किल है डिस्काउंट लेने की, तो भाई मैं कहता हूं 10,000 से 15,000 रुपए का डिस्काउंट आप आराम से खींच सकते हो। और इस गाड़ी में तो अब लगा लो 60,000 से 65,000 रुपए का डिस्काउंट आराम से आप इस कार पे ले सकते हो भाई विदाउट हेजिटेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सेम डीलरशिप पे ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वेरी करता है भाई स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी या आपके स्किल पे, ठीक है। तो अब बेसिकली बात करते हैं 5,84,000 रुपए में से सीधा भाई 60,000 से 65,000 रुपए आप घटा दो तो आप लोगों को 5,10,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। हुई ना भाई बिल्कुल सस्ती वाली बात। अगर मैं आप लोगों को बताऊं मारुति में ही इसकी एंट्री सेगमेंट वाली गाड़ी जो कि अरीना में आपको देखने को मिल जाती है ऑल्टो K10, उसके प्राइसिंग की देखो, उसके प्राइसिंग को आप एक बार देखो। थ्री सिलेंडर इंजन आता है आपका, अगर ऑल्टो K10 की आप बात कर रहे हो, थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है आपको उस गाड़ी में, और भाई वो गाड़ी भी 5-6 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में आपको आज की रेट में देखने को मिल रही है। तो भाई इग्निस खरीदने में कोई बुराई नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है 180mm का आप इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। मैंने इस गाड़ी को भाई लेह लद्दाख में भी चलते हुए देखा है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हुए इस गाड़ी को देखा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है इसका 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जेटा वेरिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का सूट सबसे पहले करता हूं, फीचर्स क्या मिल जाते हैं। अब जेटा वेरिएंट के प्राइस भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोगों के सामने। तो बेसिकली एक्सोरूम की अगर आप बात करते हो 6,96,000 रुपए आप लोगों को इसका एक्सोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। बाकी भाई अपने हिसाब से आप 60-65,000 रुपए माइनस कर देना इसके ऑफर कंज्यूमर और इसका एक्सचेंज बोनस, और जो आप अपने भाई कॉर्पोरेट डिस्काउंट या फिर एक्स्ट्रा आप एडिशनल अपनी स्किल से लेते हो 60-65,000 रुपए आप लोग लेस कर देना। इसका एक्सोरूम प्राइस है 6,96,000 रुपए, और अगर ऑन रोड प्राइस देहरादून की बात करते हो तो 8,30,000 रुपए ऑन रोड प्राइस देहरादून इस गाड़ी का आपको देखने को मिलेगा मारुति नेक्सा इग्निस के जेटा वेरिएंट का। अब एक एक करके बात करता हूं मैं इस गाड़ी की क्या आपको इस कार में मिल जाता है। सबसे पहले चलते हैं फ्रंट प्रोफाइल में और वहीं से बात करते हैं।
सो मारुति सुजुकी नेक्सा इग्निस फ्रंट प्रोफाइल से कैसे दिखती है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसी दिखती है फ्रंट प्रोफाइल से। हेडलैम्प की बात करता हूँ क्योंकि वही इल्यूमिनेट होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़े से हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं, हेडलैम्प जिसे आप कह सकते हो भाई। यहाँ पे आप लोगों को रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। साइटन इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। क्रोम का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर आप लोगों को ग्रिल पे भी देखने को मिल जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को इस गाड़ी में नजर आई है ना, वो क्या है, वो है भाई इसकी ग्रिल। भाई इतने इतने से क्रोम का भाई 2500-3000 रुपए ले लेते हैं शोरूम वाले, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि भाई एक्सेसरीज बहुत महंगी है। किसी भी अगर आप शोरूम पे जाते हो पर्टिकुलर, तो एक्सेसरीज आपको महंगी मिलने वाली है। तो यहाँ पे इतना इतना सा क्रोम खरीदोगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से आप लोगों को इस टाइप की ग्रिल मिल जाती है जो कि क्रोम गार्निश के साथ है, तो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। सुजुकी का लोगो है, अगेन क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है। इस तरफ क्रोम गार्निश है, नीचे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो जेटा वेरिएंट है, तो इसमें आप लोगों को फॉग लाइट भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इसका प्लेट आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है बड़े साइज की, जो कि सिल्वर फिनिश में है और ग्लॉस बीस पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रंट प्रोफाइल से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। बॉडी कलर बंपर आपको यहाँ पे दिया जाता है और इसका प्लेट काफी ज्यादा सुपर डुपर और प्रीमियमनेस का आप लोगों को फील देता है। तो फ्रंट प्रोफाइल से नो डाउट थम्स अप वाली फील गाड़ी देती है। साइड में चलता हूँ, यहाँ से आप लोगों को गाड़ी को दिखाता हूँ। तो इस तरफ मैं आ गया हूँ साइड प्रोफाइल में, तो आप लोग देख सकते हो भाई कुछ ऐसी दिखती है भाई मारुति सुजुकी नेक्सा इग्निस साइड प्रोफाइल से। जेटा वेरिएंट है तो प्रीमियमनेस तो भाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को रूफ रेल मिल जाती है गाड़ी में जेटा वेरिएंट में, जो कि काफी अच्छी चीज लगी मेरे को। इसकी लाइटिंग में थोड़ा सा बंद कर देता हूँ क्योंकि बैटरी डाउन होने का डर होता है। अब बात करता हूँ ORVM पे आप लोगों को साइटन इंडिकेटर दिया जाता है। फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रिकली होने वाला है, एडजस्ट इलेक्ट्रिकली होने वाला है। बॉडी कलर आप लोगों को डोर हैंडल दिए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर बोथ साइड मिल जाता है आप लोगों को, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। मिरर का जो साइज है काफी डिसेंट है, क्वार्टर ग्लास बनाने की भी कोशिश करी है मारुति ने यहाँ पे, जो कि आप लोग देख सकते हो। सफोकेशन आप लोगों को फील नहीं होने वाली इंटीरियर में। ड्यूअल टोन इंटीरियर है, लाइट कलर और डार्क कलर दोनों ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है। फैब्रिक की सीटें गाड़ी में मिल जाती हैं। सेफ्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। दो एयरबैग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो लिटरली थम्स अप वाली बात है, इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी में जो फीचर मिल रहे हैं अल्टीमेट है भाई लिटरली। टायर की तरफ चलता हूं, वहां से बात करता हूं। तो बेसिकली यहां पे आप लोगों को जेटा वेरिएंट पे जब आप आते हो तो अलॉय व्हील आपको देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक्ड आउट अलॉय व्हील है, सुजुकी का लोगो है। और यहां पे आप लोगों को अगर मैं टायर साइज की बात करता हूं, 175/65 R15 15 इंच का टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साइड में आप लोगों को ब्लैक कलर की क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि प्रॉपर एक ऑफ रोडर व्हीकल की फील आपको देता है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को एक और लगी इसमें, वो है रूफ रेल। रूफ रेल भाई फंक्शनल वाली जो फीलिंग है ना वो देती है आपको, और यहाँ पे सिल्वर कलर की ग्लॉस फिनिश में आप लोगों को रूफ रेल देखने को मिल जाती है। तो थम्स अप वाली बात है। बाकी रेगुलर एंटीना आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी में, ये अलग चीज़ गाड़ी में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करी है। बैक प्रोफाइल में चलता हूँ, वहाँ से बात करता हूँ क्या कुछ कार में आपको देखने को मिल जाता है। सो मैं कार के बैक प्रोफाइल में आ गया हूँ और यहाँ पे आप लोगों को वाइपर देखने को मिल जाता है, डिफॉगर देखने को मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है, स्पॉइलर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छी साइज़ का है, और नीचे की तरफ आप लोगों को पीछे के जो लाइटिंग है ब्रेक लाइट है वो देखने को मिल जाता है, और इग्निस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अगेन नीचे आप लोगों को चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ सिल्वर कलर की इसका प्लेट देखने को मिल जाती है। बूट खोल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कितना स्पेस आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पेस देख रहे हो, स्क्रीन पे जरूर आप लोगों को स्पेस दिख रहा होगा कितने का। पार्सल ट्रे है ऑल्सो गाड़ी के साथ। सीटें आप लोगों की 50:50 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती हैं, और आप लोगों को बूट लाइट का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। सो भाई मैं आ गया हूँ ड्राइवर साइड डोर की तरफ, और यहाँ से बात करता हूँ तो बेसिकली डोर खोल के देखता हूँ, हार्ड टच प्लास्टिक मटेरियल आप लोगों को डोर्स पे देखने को मिलेगा। डोर से लेके इंटीरियर तक आप लोगों का पूरा ड्यूअल टोन जो पूरा है ना वो देखने को मिल जाता है, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये गाड़ी ड्यूअल टोन के इंटीरियर में। क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, तो ORVM को एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड आप कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिए जाते हैं आप लोगों को। इस तरफ आप लोगों को ड्राइवर साइड वन टच डाउन वन टच अप का फीचर मिल जाता है। चारों पावर विंडो है, सेंटर लॉकिंग गाड़ी में आ जाती है। बेस वेरिएंट में ही इसके सेंटर लॉकिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अगेन अगर बात करते हैं हाइट एडजस्ट करने का फीचर आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा सीट पे, जो कि भाई थोड़ा सा मेरे को लगता है कि होना चाहिए था जेटा वेरिएंट में। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का आप लोगों को यहाँ पे बटन देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल है, हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई अगेन इंटीरियर वाइज कैसी लग रही है कार, सुपर डुपर लग रही है। सो बेसिकली मैं आ गया हूं भाई इग्निस जेटा के इंटीरियर में, ठीक है। अब यहां से इंटीरियर वाइज मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल प्रीमियम कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल वाला जो फील है वो आपको इसके इंटीरियर में आता है। पर्सनली मुझे इग्निस बहुत पसंद है, उसका रीजन है भाई इस गाड़ी के डायनेमिक्स,
इस कार के लुक्स अल्टीमेट है भाई। बहुत से भाई कंप्लेन करते हैं पीछे से कैसी लगती है, भाई लिटरली बता रहा हूँ लुक्स ना हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, किसी को कुछ है भाई, तो वो अलग अलग मैटर है। बाकी आप लोग देख सकते हो राउंड शेप में आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, यहाँ पे टेलीस्कोपिक जेटा में या अल्फा में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन टिल्ट मिल जाता है आप लोगों को। स्टेयरिंग पे आप लोगों को स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, इस तरफ आप लोगों को वॉइस असिस्ट के स्विच देखने को मिल जाते हैं, कॉल उठाना कॉल काटना, और यहाँ पे जो वॉइस असिस्ट है मारुति का उसका स्विच देखने को मिल जाता है। मैं फिलहाल गाड़ी को ऑन करके देखता हूँ, यहाँ से आप लोगों को जेटा वेरिएंट में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। अब देखो भाई इल्यूमिनेशन देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप लोगों को यहाँ पे टैकोमीटर मिल जाता है, इस तरफ स्पीडोमीटर मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी एमआईडी मिल जाती है जिसमें आप लोगों को मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसे कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन के मामले में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखाती है। इस तरफ से आप लोग भाई अपनी जो ट्रिप वगैरह है उसे सेट कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आप लोगों को एमआईडी दिख रही है ना, इससे रिलेटेड कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस तरफ से आप जैसे दबाओगे ना भाई, तो अपनी जो आप लोगों की ब्राइटनेस है उसे भी कम ज्यादा कर सकते हो, देख सकते हो आप इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है, यहाँ से ज्यादा कर सकते हो। काफी अच्छे लगे यार मुझे स्विच, यहाँ से ट्रिप आप इसको रिसेट कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन का आप लोगों को यहाँ पे बटन दिया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन भी ये डिस्प्ले आप लोगों को जरूर देने वाली है, ठीक है। एवरेज स्पीड दिखाता है, ड्राइविंग टाइम है, और अगेन ये ब्लैंक है, और इस तरफ आप लोगों को इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, रेंज दिखाएगा कितनी बची हुई है, एवरेज स्पीड दिखाएगा, और ये ड्राइविंग टाइम आ गया आप लोगों को। तो फीचर पूरे के पूरे वैसे ही मिलते हैं आप लोगों को। सबसे ज्यादा लुक वाइज या कुछ भी कह लो ना भाई, वो क्या लगा मेरे को, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नो डाउट थम्स अप वाली फील दे रहा है। हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल इस वाली नोब पे देखने को मिल जाते हैं, और वाइपर रिलेटेड कंट्रोल इस वाली नोब पे देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट और वाइपर दोनों ही आप लोगों को ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलते हैं, या ऑटो हेडलाइट या ऑटो वाइपर का आप लोगों को यहाँ पे फंक्शन देखने को नहीं मिल जाता, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात करता हूं मैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो भाई ये पुराना वाला है जो मारुति पहले की बलिनो वगैरह में यूज करती थी। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन वायर लगाने के बाद आप लोग इसमें चला सकते हो। हैजार्ड लाइट के बटन की यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इवेंट जिमनी में आप लोगों ने इस तरीके का एसी पैनल देखा होगा, तो यहाँ पे भी आप लोगों को इस तरीके का एसी पैनल मिलता है जो कि मैनुअल रहने वाला है। बाकी आप लोगों को पता है भाई, दो कप होल्डर दिए जाते हैं, फोन रखने का आप लोगों को सफिशियंट स्पेस दिया जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट 120 वॉट में दिया जाता है, यूएसबी ऑक्स यहाँ पे दिया जाता है, ऑक्स की जरूरत नहीं थी भाई पर दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से ही आप लोग इसमें वायर कनेक्ट करोगे तभी जाके आप लोगों का एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, काफी प्रीमियम लगता है गियर का नोब इसका। इस तरफ अगर बात करते हैं तो प्रीमियमनेस को बरकरार रखने के लिए बॉडी कलर, जिस कलर की गाड़ी है उस कलर में आप लोगों को यहाँ पे एलिमेंट दिया जाता है जो कि थोड़ा प्रीमियमनेस को बढ़ाता है, काफी अच्छा लग रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दिया जाता है, आर्मरेस्ट नहीं है, इस तरह बोतल होल्डर दी जाती है। बाकी आप लोगों को सीटों की जो कुशनिंग है वो नो डाउट नेक्स्ट लेवल की है, काफी अच्छा फील करवाएगी आप लोगों को। भाई ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट कटिंग मारुति ने इसमें करी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चाबियों का गुच्छा बहुत सारी गाड़ियों का है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके की मिल जाती है आप लोगों को जेटा वेरिएंट में, और नीचे के वेरिएंट्स की अगर आप बात करते हो तो वहां पे आप लोगों को इस टाइप की देखने को मिल जाती है जो कि भाई फिजिकल की है। तो ये जेटा और अल्फा में आप लोगों को रिमोट की देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक इस पे आपको बटन देखने को मिल जाते हैं, अच्छी चीज है, फीचर्स वाइज काफी अच्छा है। यूटिलिटी स्पेस की बात करते हो तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया जाता है आप लोगों को, अगर बात करते हैं स्पेस तो इधर है और यहाँ पे स्पेस है, यही आपको स्पेस मिलता है। IRBM आप लोग डे टाइम मैनुअली से एडजस्ट कर सकते हो, टिकट होल्डर ड्राइवर साइड मिलता है, एयरबैग की बैजिंग और मिरर लाइटिंग जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। इस तरह बात करते हैं तो मिरर के साथ एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है आप लोगों को, ड्यूअल एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी में जो कि आप लोगों को ड्राइवर एंड को ड्राइवर की साइड देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में फ्रंट इंपैक्ट अगर होता है तो आप लोगों को जो है एयरबैग जरूर यहाँ पे सपोर्टिंग होने वाले हैं। तो कुछ ऐसी दिखती है भाई इग्निस के इंटीरियर जेटा वेरिएंट का, ठीक है। तो बेसिकली नो डाउट काफी अच्छा है और खूबसूरत भी लग रहा है भाई लिटरली, ठीक है। अब चलता हूँ मैं इसके बैक साइड में, वहां से बात करता हूँ क्या कुछ आप लोगों को गाड़ी प्रोवाइड करती है। तो मैं पीछे के डोर पे आ गया हूँ और यहाँ पे अगर बात करता हूँ, हार्ड टच प्लास्टिक मटेरियल है, क्रोम डोर हैंडल है, पावर विंडो का बटन है, पन्नी लगी हुई है भाई गाड़ी पे, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। यहाँ पे ग्रिपिंग दी जाती है, बोतल होल्डर कैपेसिटी दी जाती है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, स्पीकर भी आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है, फैब्रिक की सीटें हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, फैब्रिक पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, अब मैं कार के अंदर जाता हूँ, वहाँ से बात करता हूँ। तो भाई मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ और सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है।
तो स्पेस आप देख सकते हो भाई, जो मेरे को लेग रूम मिल रहा है मोर देन सफिशियंट है लिटरली स्पेस के मामले में। भाई इस गाड़ी को भी भाई मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा, इतनी छोटी कार है उसके बावजूद भी भाई स्पेस आपको प्रॉपर मिल जाता है। बीच में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बीच में अगर छोटा बच्चा बैठे तो ज्यादा अच्छा है अगर लॉन्ग जर्नी आपको करनी है तो। अगर किड्स बीच में बैठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाई स्पेस काफी अच्छा है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा मेरे को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग टू कम लग रहा है, बिकॉज 5'6" मेरी हाइट है, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो भाई थोड़ा सा मेरे को जो थाई सपोर्ट है उसकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाकी कंफर्टेबल है गाड़ी बैठने में। पीछे की तरफ कोई एसी वेंट वगैरह चीज़ें आपको दी नहीं जाती हैं। अगर बात करते हैं आगे की सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाता है, बीच में किसी भी तरीके की रीडिंग लाइट नहीं, आगे की तरफ ही मिलेगी आप लोगों को। ग्रैब हैंडल आप लोगों को सभी साइड मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड को छोड़ करके। और अगर बात करते हैं, मैं थोड़ा पीछे मुड़ के दिखाता हूँ, 3-pointer सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। दो दो आप लोगों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं कार में, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी 3-pointer सीट बेल्ट होना चाहिए था भाई, अब नजर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। बाकी 4 स्पीकर का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जेटा वेरिएंट है तो 2 ट्विटर मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इसका बेस वेरिएंट परचेज करते हो तो म्यूजिक सिस्टम भी नहीं होगा, स्पीकर और ट्विटर की तो भाई बात ही छोड़ दो। तो आप लोग 10-15 हज़ार रुपये में आराम से बाहर से टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हो और स्पीकर भी डलवा सकते हो, तो 4 चांद लग जाएंगे गाड़ी में, कोई बुराई नहीं है भाई। 5-6 लाख रुपये में अगर आप इस टाइप की कार खरीदते हो ना तो कोई बुराई नहीं है, ये गाड़ी लिटरली थम्सअप वाला फील आप लोगों को देने वाली है। सो भाई प्राइसिंग क्या है, ऑफ़र क्या है, दोनों ही चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है, पूरी डिटेल दे दी है गाड़ी की, क्या कुछ मिल जाता है। आज की डेट में अगर आप इस कार को खरीद रहे हो इग्निस को, तो बेसिकली इसका बेस वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट ये दोनों अगर आप परचेज करते हो तो वैल्यू फॉर मनी सौदा है भाई, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और नेक्सा की कार है, प्रीमियमनेस बरबर के मिल जाती है। एंट्री सेगमेंट में भी आप लोगों को 6-7 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर डिस्काउंट के साथ लेते हो तो 5,10,000 या 5,15,000 रुपए के एक्सोरूम प्राइस में इसके बेस वेरिएंट को आप अपना बना सकते हो। तो बेसिकली इस प्राइस रेंज में 1.2 लीटर का केस रेंज इंजन आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 83 PS 130 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो क्या चाहिए यार, इसी प्राइस रेंज में आप लोगों को मारुति में ही अरीना के शोरूम पे ऑल्टो केटन देखने को मिल जाती है भाई, जिसमें 1000 cc का इंजन आता है, और वहां पे ये प्रीमियमनेस नहीं मिलेगी आपको जो यहां पे देख रहे हो आप। भाई डिस्काउंट अगर आप करना जानते हो ना और ऑफर का फायदा उठाना जानते हो तो इसका जेटा वेरिएंट भी बुरा नहीं है, इसका अल्फा वेरिएंट भी बुरा नहीं है, लेकिन खरीदना आना चाहिए भाई, स्किल होनी चाहिए आप लोगों के पास कि आप कैसे डिस्काउंट लेते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको सब जगह डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन भाई आपकी स्किल है ना तो एक ही जगह से आप लोग अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो, अगर आपकी शोरूम में अच्छी जान पहचान है, अगर आपकी सेल्स पर्सन से अच्छी जान पहचान है। भाई बनानी पड़ती है, और लिटरली मैं थैंक्स करना चाहूंगा भाई, मैं कुछ भाई होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि आप लोग प्रमोट कर रहे हो या भाई आप लोग इस गाड़ी को या नेक्सा प्रमोट कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लेकिन जब भी हम लोग ऐसी मेहनत करते हैं भाई आप जैसे भाइयों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो लिटरली भाई मैं थैंक्स कहना चाहूंगा रोहन मोटर देहरादून को, जो कि जीएमएस रोड पे है, जिन्होंने मुझे इस कार का शूट करने का मौका दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है या इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोटर बुल को, और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।